नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंतु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, तो 21-23 जून के दौरान विदर्भ में भारी से भारी बारिश की संभावना। शनिवार को पश्चिमी राजस्थान में चल सकती हैं गर्म हवाएं, तो बीते दिन दिल्ली में रहा सबसे ज्यादा तापमान। और राजस्थान में किसान कपास की फसल को दीमक से बचाने के उपाय करें, गुजरात में तैयार आम के फलों की तुड़ाई करें। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए भी स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने के आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार। 21-23 जून के दौरान विदर्भ में भारी से भारी बारिश की संभावना। 2 दिन छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी भारी बारिश के आसार। 2 दिन उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश के आसार। रविवार को विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी बारिश की संभावना। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो बरसात का अनुमान है, लेकिन अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसी तरह अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश के आसार हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गंगे, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन उप हिमालयी इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात की। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश की कुछ बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन उत्तर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। और अब बात मौसम के चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आई डालते हैं नजर। कोंकण गोवा में ज्यादातर जगह बारिश हुई। तटीय कर्नाटक के केरल और माहे में ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर स्थानों में बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में बारिश हुई। अंडमान निकोबार में भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। झारखंड और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हुई। पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी कुछ जगह बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं बरसे।
पंजाब, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश मध्य में हुई। भोपाल में करीब 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ कुछ जगह गर्म हवाएं चली। बिहार, कोंकण, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में तेज हवाएं चली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली। असम, मेघालय, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और अब बात कर लेते हैं और देखते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल आदि जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में ज्यादातर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केरल में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में तापमान सामान्य भी नीचे रहा। अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे। क्या है कहां से कितनी लगी की खाद किसानों के हर बोध का विशेषज्ञ देखे जवाब देखिए हर रिफान लाइव शुक्र शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव के साथ सोमवार से शुक्रवार हर 12:05 पर। और ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। बारिश के हिसाब से फसलों की बुआई का काम कर लें। साथ ही राजस्थान और गुजरात के किसान किन बातों का ध्यान रखें जानने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। यहां के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। राजस्थान गन्ना फसल में 15 दिन के अंतराल करें। गुजरात के किसान खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। साथ ही गन्ना की फसल में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। आगामी बारिश किसान फिलहाल सिंचाई को टाल दें। साथ ही गन्ना के खेतों में अंतर फसलें लगाएं। गुजरात में भिंडी की फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। साथ ही भिंडी की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। प्रकोष्ठ विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। गुजरात में इस समय बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। वहीं बैंगन की छेदक कीटों से बचाने के उपाय करें। गुजरात में तैयार आम के फसलों की तुड़ाई करें। साथ ही तोड़े गए फसलों को समय पर बाजार ले जाएं। यहां टमाटर की नर्सरी तैयार करें। गुजरात में 10 से 12 दिन पहले बोई गई मेथी की तुड़ाई करें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि मेथी के पौधों में कम 2 से 3 पत्तियां आ गई हों। तुड़ाई के बाद मेथी को बाजार भेजें। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। सीताफल की ये समय अनुकूल है और अगर विशेषज्ञों की सलाह से फसल की बुआई की जाए तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सीताफल की बुआई से जुड़ी ज्यादा जानकारी ये रिपोर्ट। सीताफल की बुआई के लिए ये समय एकदम अनुकूल। इसे साल में 2 बार फरवरी, मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। झारखंड में अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की है। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे एक हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे एक हेक्टेयर 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का हो। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड ए उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान एक हेक्टेयर में 500 क्विंटल तक ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है जिसका वजन 4.5 किलो तक हो सकता है। सीताफल की एक हेक्टेयर में बुवाई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की ढाई एक प्रकार छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसके फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की। पश्चिमी किसान मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी करें। यहां के किसान सोयाबीन, मक्का और उड़द की बुआई करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रहे। यहां के किसान खरीफ सोयाबीन और अरहर की बुआई करें। छत्तीसगढ़ में खरीफ सोयाबीन, अरहर, मक्का और मूंगफली की बुआई कर लें। मौसम और कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर बनेगा समाधान भारी। कृषि हर बात कैसे की जाए बेहतर देखभाल, चलिए विशेषज्ञों के साथ देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तनमन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात मौसम के अनुसार खेती की। उप बंगाल में खरीफ धान की बुआई की तैयारी करें किसान। रानी पश्चिम बंगाल में अमन धान की नर्सरी लगाएं। यहां के किसान लंबी अवधि वाले धान की बुआई करें। में माह के अंत तक धान की बुआई करें। यहां के किसान अरहर, मक्का और मूंगफली की बुआई करें। यहां के किसान धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। बारिश के बाद बिहार में मक्का की बुआई करें। ओडिशा के किसान धान की नर्सरी लगाएं।
और बुलेटिन में एक बार फिर मौसम से जुड़ी खास खबरों की झलकियां। दो दिन कोंकण गोवा कन्माहे में कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड में भी तेज हवाओं का अनुमान। नाब हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज हवाएं चलने के आसार। 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। शनिवार को मध्य प्रदेश गुजरात और कर्नाटक में बिजली चमकने का अनुमान। रविवार को उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ जगह बिजली चमकने के आसार। शनिवार को पश्चिमी राजस्थान में चल सकती हैं गर्म हवाएं। दो दिन दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में तेज हवाओं के आसार। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। सुरक्षाकारों को समुद्र में न जाने की है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि कर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।